तो भाई लोग स्वागत है आप सभी लोगों का मर्द का बच्चा सीरीज की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस मर्द का बच्चा सीरीज की पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना तो मैं आप सभी को उन सभी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप सभी चाहो तो उन सभी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि इस मर्द का बच्चा सीरीज में ना आप सभी का क्या योगदान होने वाला है और इस मर्द का बच्चा सीरीज के क्या नियम है भाई। तो देखो भाई दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना कि रोमन की टीम में एक ही नया सुपरस्टार ऐड हुआ है जो कि एजे स्टाइल है, वहीं दोस्तों कोडी रोड्स की टीम में आज दो नए सुपरस्टार ऐड हुए हैं भाई, द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर और एल ए नाइट भाई। यानी कि आज दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त हैं और मैच भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। यहां दोस्तों आज ट्राइबल चीफ के पास एक मौका होगा कि वो कोडी रोड्स के साथ अपने स्कोर को 3-3 कर सकते हैं। वहीं दोस्तों कोडी रोड्स के पास भी एक चांस है भाई कि वो अपने स्कोर को रोमन के स्कोर से आगे ले जा सकते हैं भाई। वैसे देखा जाए तो अभी कोडी रोड्स रोमन से एक पॉइंट आगे चल रहे हैं, क्योंकि रोमन अपने लगातार दो मैच जीते हैं और कोडी रोड्स लगातार अपने 3 मैच जीते हैं भाई। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये मैच और देखते हैं फिर आज के हमारे इस मैच में ना इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम आज मर्द का बच्चा निकल के आती है। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग अपना ये मैच। तो दोस्तों आज आपको क्या लगता है भाई, आज रोमन की टीम जीतेगी या फिर कोडी रोड्स की टीम जीतेगी भाई? देखो पिछले दो मैचों से लगातार भी ट्राइबल चीफ की टीम जीतती हुई आ रही है भाई, और रोमन बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं भाई, लेकिन कोडी रोड्स को भी आप लोग हल्के में नहीं ले सकते हो भाई। और आज ऊपर से कोडी रोड्स के साथ दो ऐसे सुपरस्टार उनके टैग टीम पार्टनर्स है ना, जो कि कोडी को उनका मैच जीतने में बहुत जबरदस्त मदद करने वाले हैं भाई, एल ए नाइट और बीस्ट इनकॉर्नेट भाई। और वैसे रोमन के साथ भी अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन देखो सीना के ऊपर मुझे उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है भाई। हाँ एजे स्टाइल पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन हाँ भाई सीना के ऊपर अभी उतना ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है ना कि जब तक 2K25 नहीं आ जाता है तब तक मैं अपनी हर वीडियोज में सीना को लाता रहूंगा, तो भाई इस प्रॉमिस को निभाने के लिए मैं अपनी हर वीडियो में सीना को ला रहा हूँ भाई। देखो रोमन के पास चांस अच्छा है, अभी रोमन चाहे तो फिनिशर का इस्तेमाल करके कोडी रोड्स को कम से कम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। फिनिशर भाई रोमन रिवर्स कर सकते थे यार, क्यों रोमन आजकल हमेशा सुपर फिनिशर खा ले रहे हैं कोडी रोड्स का। अच्छा ये वाले रोमन के पास सुपर फिनिशर नहीं है क्या? लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये वाले रोमन के पास भी मेरे हिसाब से सुपर फिनिशर तो होना चाहिए भाई। सीना बचा लो, बहुत अच्छा बचा लिया भाई। लेकिन देखो सुपर फिनिशर खाने के बाद भी ना ट्राइबल चीफ की हेल्थ अभी उतनी ज़्यादा खत्म हुई नहीं है, मुझे लगता है कि स्पेयर लगेगा भाई, स्पेयर। चलो भाई अगर कोडी ने अब तक सुपर फिनिशर लगाया है ना तो ट्राइबल चीफ ने भी अब तक दो फिनिशर तो चिपकाए दिए हैं कम से कम कोडी रोड्स को। अभी तो ब्रॉक लेसनर ने बचा लिया, लेकिन अब कोडी रोड्स की टीम से नहीं एल ए नाइट बचाने आ सकते हैं और नहीं बीस्ट इनकॉर्नेट बचाने आ सकते हैं कोडी रोड्स को। मुझे लगता है कि कोडी की रेजिडेंस जाने वाली है भाई, कोडी की रेजिडेंस गई भाई। और एक बात और ठीक है कि भाई देखो मैंने बाहर जाने के जो पॉइंट है, यानी कि बाहर अगर कोई सुपरस्टार चला जाता है ना तो रेफरी को सिर्फ 5 तक ही पॉइंट गिनने पड़ेंगे भाई, और अगर 5 तक पॉइंट में कोई सुपरस्टार रिंग के अंदर नहीं आया तो उसका एलिमिनेशन काउंट आउट से हो जाएगा भाई। क्योंकि अगर मैं सुपरस्टार्स को इस तरह से एलिमिनेट नहीं करवाऊंगा तो मैच को बहुत ज़्यादा लंबा करवा दे रहे हैं भाई ये लोग। और दूसरी बात यह है कि 10 तक काउंट करता हूँ तो ये लोग बाहर बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं भाई, तो इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत मुझे नियम तो लगाने ही पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स गए भाई, अगर कोडी ने सीना के ये वाला फिनिशर रिवर्स नहीं किया तो मुझे लगता है कि कोडी रोड्स का आज पहला एलिमिनेशन होने वाला है भाई। क्योंकि देखो कोडी रोड्स ने अपने रेजिलेंस का इस्तेमाल भी कर लिया और फिनिशर भी खा चुके हैं भाई कोडी रोड्स। अब ब्रॉक लेसनर वाले नाइट बचे हैं कोडी की टीम से, लेकिन देखो अभी कोडी मात्र अपनी टीम से भले ही एलिमिनेट हो चुके हैं ना, लेकिन उनकी टीम से भी दो ऐसे मजबूत सुपरस्टार एलिमिनेट बचे हुए हैं जो कि कोडी की टीम को जिताने में मदद कर सकते हैं भाई। लगा दिया, मुझे लगता है कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया भाई यार। जैसे ही मैंने कहा कि मुझे सीना के ऊपर भरोसा नहीं है, पर ये वाले सीना तो अच्छा खेलने लगे भाई। रेजिलेंस का इस्तेमाल मत करना ब्रॉक, इतने जल्दी रेजिलेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो किसी ने मुझे ये बताया था कि ये डॉक्टर ऑफ ठगोनिक्स वाले सीना है ना वो बहुत अच्छा खेलते हैं और वो प्रूफ भी कर रहे हैं भाई इस चीज़ को। मुझे लगता है कि एजे स्टाइल गए, एजे स्टाइल मुझे लगता है कि मैच से गए। सीना बचा लो सीना, बहुत अच्छा भाई। भाई अगर सीना ने बचाया नहीं होता ना मुझे लगता है कि टैप आउट कर देते एजे स्टाइल। देखो अभी मुझे ट्राइबल चीफ ने बचाना पड़ेगा, रोमन ने बचा लिया बहुत अच्छा। क्योंकि देखो अगर सुपर फिनिशर किसी सुपरस्टार को लग जाता है ना तो सुपर फिनिशर लगने के बाद उस सुपरस्टार का किक आउट करना बहुत मुश्किल होता है भाई। नहीं रोमन रिंग के बाहर चले जाओ, रिंग के बाहर रोमन फटाक से रिंग के बाहर, बहुत अच्छा स्टाइल क्लैश। लेकिन देखो दो फिनिशर ब्रॉक लेसनर को लग चुके हैं ना, तो मुझे लगता नहीं कि किक आउट करेंगे। किक आउट रेजिलेंस का इस्तेमाल कर लिया भाई। अच्छा एजी के पास एक दो फिनिशर और है भाई एजी के पास, रिवर्स कर दिया भाई। देखो बैक टू बैक ऐसा होता है 2K में, कभी ऐसा 2K24 में ऐसा सिस्टम है ना कि बैक टू बैक आप किसी भी सुपरस्टार को फिनिशर नहीं लगा सकते हो भाई।
अगर आपने एक फिनिशर लगा दिया है ना तो कम से कम कुछ एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा। रोमन फिनिशर है कि आपके पास, देखो रोमन के पास अभी ना ही फिनिशर है और ना ही सिग्नेचर है भाई, तो इसमें रोमन के पास चांस ही अच्छा है कि सस्ता गिलिटिन लगा दिया एली नाइट को। लेकिन एली नाइट मुझे पता है भी तो भाई बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट करेंगे। BFT लगा दिया रोमन को, लेकिन किकआउट करेंगे, ट्राइबल चीफ किकआउट करेंगे भाई। वैसे भी एजी ने बचा लिया, रोमन के पास अभी रेजिलेंस भी है भाई। अच्छा गलत सुपरस्टार को अब तक फिनिशर लगा रहे हैं यार एली नाइट, रोमन को ही दूसरा फिनिशर लगा दे तो मुझे लगता है कि रोमन की रेजिलेंस जा सकती थी भाई। और कोई भी सुपरस्टार ध्यान दे लो भाई, रिंग के बाहर सिर्फ 5 तक ही काउंट है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर काउंट तक बाहर रहोगे तो मैच से एलिमिनेट होगे वैसे ही भाई यार। लेकिन आज मुझे कोडी रोड्स को देख के बड़ा अचंभा है भाई कि कोडी रोड्स मैच में इतनी जल्दी कैसे एलिमिनेट हो गए भाई। टीम कैप्टन थे और टीम कैप्टन ही इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गए, मुझे लगा अब इससे तो उनकी टीम का वैसे भी मोरल डाउन हो चुका होगा ना। देखो एली नाइट के पास अभी चांस अच्छा है भाई, क्योंकि एली नाइट के पास मुझे लगता है हाँ एक फिनिशर है भाई, लगता क्या है फिनिशर है। सीना भी किकआउट करेंगे, सीना कहाँ इतनी जल्दी हारने वाले हैं भाई, सीना अपने कॉर्नर। अरे सीना के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर है मेरे दोस्त, फिनिशर और सिग्नेचर है, लेकिन सिग्नेचर क्या है एली नाइट का। सीना फिनिशर है आपके पास, क्यों मार खा रहे हो एली नाइट से भाई। अच्छा मुझे लगता है कि मैंने एली नाइट का ना नया वाला मोर सुपरस्टार डाउनलोड नहीं किया है भाई। चलो कोई नहीं भाई, अगले मैच में जब भी मैं कभी एली नाइट को लाऊंगा ना तो आप सभी को मॉड वाला एली नाइट देखने को मिलेगा जो आजकल है भाई। ये वाला तो मुझे लगता है कि 2K24 में जो ओरिजिनल सुपरस्टार है वही वाला मिला है हमको अभी। चलो कोई नहीं भाई, एली नाइट का मॉड वाला सुपरस्टार मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। फिलहाल ट्राइबल चीफ को टैग रोमन के पास कुछ है, रोमन के पास कोई फिनिशर और कोई सिग्नेचर नहीं है भाई। अरे बाप रे बाप, क्लोज लाइन तो आगे मारी थी, ये पीछे कैसे गिर गए भाई बीस्ट। देखो अभी रोमन के पास फिनिशर आ चुका है भाई, तो मुझे लगता है कि फिनिशर में ब्रॉक लेस्टर की रेजिलेंस जा सकती है। रोमन के पास अगर फिनिशर है ना तो रोमन को अपने फिनिशर का इस्तेमाल करना चाहिए भाई, क्योंकि देखो ब्रॉक को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो एली नाइट की बस की बात नहीं है कि तीन सुपरस्टार को वो एलिमिनेट कर सके इतने जल्दी वो भी। तो अगर बीस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं तो कोडी की टीम के ये वाला मैच हारने की संभावना बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि एली नाइट के ऊपर मैं सीना की तरह भरोसा नहीं कर सकता भाई। लेकिन कुछ भी कहो भाई, आज सीना ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है भाई। मेरे हिसाब से सीना ने आज दो एलिमिनेशन किए है ना, अच्छा एक ही एलिमिनेशन तो किया सीना ने कोडी रोड्स का। लेकिन चलो टीम कैप्टन का एलिमिनेशन किया है भाई सीना ने, सीना फिनिशर है आपके पास लगा दिया। अरे रिवर्स कर दिया सीना का ये वाला फिनिशर भाई, बेचारे सीना के फिनिशर में रिवर्सल 2K ने जो दे के रखा है ना उस चक्कर में सीना हमेशा मार खाते हैं भाई, और फिनिशर भी बेचारे का बहुत ज़्यादा रिवर्स होता है अपने सीना का। सीना एली नाइट के ऊपर फोकस नहीं करना, रेफरी के काउंट सुनना, ठीक है। दो तक काउंट हो चुका है, 5 तक ही लीगल है भाई, बहुत अच्छा। रेज को ऊपर कर लिया तो रिंग के अंदर आ जाओ, रिंग के अंदर आ जाओ सीना, अभी भी फिनिशर लगा सकते हो सीना, फिनिशर लगा सकते हो, बहुत अच्छा भाई लगा दिया। मुझे लगता है कि ब्रॉक की रेजिलेंस जा सकती है, ब्रॉक लेस्टर की रेजिलेंस जाएगी अगर एली नाइट बचाने नहीं आया तो। एली नाइट बचाने आ जाए, बचा ले बहुत अच्छा भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर एली नाइट बचाने नहीं आता ना तो मुझे लगता है कि ब्रॉक लेस्टर की रेजिलेंस गई थी भाई, फंसा के पिन कर रहे हैं लेकिन होना संभव नहीं है भाई। लेकिन सीना के पास अभी कोई फिनिशर कोई सिग्नेचर नहीं है तो मुझे लगता है कि एजी स्टाइल को टैग देना चाहिए भाई, ट्राइबल चीफ को टैग। रोमन के पास सिग्नेचर और फिनिशर दोनों है, एली नाइट मार खाएगा मुझे लग रहा है। सुपरमैन पंच लगा दिया था लेकिन रिवर्स कैसे हो गया भाई यार, इतनी जल्दी ऐसे तो रिवर्स नहीं होना चाहिए था भाई। वैसे रोमन के पास अभी सुपरमैन पंच और उनका फिनिशर पड़ा हुआ है ना, रोमन गिलिटिन भी है आपके पास। देखो रोमन के पास सिग्नेचर में गिलिटिन भी है भाई, लेकिन गलत सुपरस्टार को नहीं लगाना है, गलत सुपरस्टार को लगा दिया रोमन ने, ब्रॉक लेस्टर को लगा कि क्या फायदा बताओ। एली नाइट है भाई लीगल सुपरस्टार, एली नाइट है, स्पेयर लगाना चाहिए था रोमन, स्पेयर है आपके पास। देखो यहाँ पर रोमन यही गलती कर रहे हैं पता है, अगर आपके पास फिनिशर का स्टॉक पड़ा हुआ है ना तो आपको फिनिशर लगाने पड़े, रोमन स्पेयर रोमन नॉर्मल तरीके के मूव से कोई फर्क नहीं पड़ना है रोमन, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, अगर लगाना है तो सुपरस्टार को स्पेयर लगाओ भाई। अरे यार इतने नज़दीक से क्यों लगा रहे, इतने नज़दीक से लगाएंगे मुझे लगता है कि एलिमिनेशन होना संभव नहीं है भाई। स्पेयर बहुत अच्छा भाई, लेकिन अभी बीस्ट इन कॉर्नर बचा लेंगे, रेजिलेंस भी तो है इनके पास, ब्रॉक बचा लेंगे अभी, ब्रॉक डेफिनेटली बचा लेंगे भाई। अरे यार चलो कम से कम एक फिनिशर और है ब्रॉक के, रोमन के पास। रोमन ब्रॉक को मत लगा देना ठीक है, फिनिशर एली नाइट को लगाना है, एलए नाइट को लगाना है भाई, मेगा स्टार को फिनिशर लगाना है, मेगा स्टार को। स्पेयर रिवर्स कर दिया यार रोमन ने, पता यहीं पर गलती करी, अगर फिनिशर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगा देते तो मुझे लगता है कि एलिमिनेशन हो सकता था भाई। अब तो देखो भाई ब्रॉक लेस्टर के ऊपर से भी क्रॉस का चिन्ह हट चुका है,
और एली नाइट के ऊपर तो क्रॉस का चिन्ह वैसे भी नहीं है भाई। रोमन ने रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा। रोमन के पास एक फिनिशर आ चुका है भाई। लेकिन देखो ब्रॉक की जब तक रेजिलेंस को नहीं गंवाते हैं ना ट्राइबल चीफ, मुझे लगता नहीं कि ब्रॉक के ऊपर पिन हो पाएगा करके। किक आउट करेंगे ब्रॉक, मुझे रेजिलेंस है ब्रॉक के पास, रेजिलेंस गई ब्रॉक लेस्टर की। लेकिन यहाँ पर ब्रॉक ने गलती कर दी, पता है ब्रॉक ने इतनी जल्दी अपने रेजिलेंस का इस्तेमाल करके रोमन को मौका दे दिया कि उनको एलिमिनेट कर सकें करके। किस सुपरस्टार को टैग देंगे, सीना को नहीं देना, तो सीना के पास फिनिशर नहीं है भाई। जिस सुपरस्टार के ऊपर फास्ट फिनिशर है उसको टैग देना चाहिए था ना यार। ब्रॉक आपके पास एक फिनिशर है भाई, लगा सकते हो F5। बेली टू बेली सुप्लेक्स, बेली टू बेली सुप्लेक्स। देखो यहाँ पर ब्रॉक के पास चांस अच्छा है भाई कि सीना को एक F10 लगा के ना थोड़ी देर के लिए स्टंट किया जा सकता है भाई। अरे यार यार कोडी रोड्स बड़ी जल्दी एलिमेंट हो चुके हैं मैच से, लगा दिया F10। अरे रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा। इसी के साथ मुझे लगता है कि सीने के पास फिनिशर भी आ चुका है भाई। सीने 5 नकल शक्ल है आपके पास। अरे कहाँ खींच रहे हो सीने, कहाँ खींच रहे हो भाई, आपके पास 5 नकल शक्ल है भाई। पता है सीना यहीं पर गलती करें, लगा दिया बहुत अच्छा। लेकिन अभी एली नाइट बीच में आ जाएगा ना भाई, अगर एली नाइट बचाने नहीं आता तो ब्रॉक का एलिमिनेशन तय था भाई। ब्रॉक लेस्टर को लगा दिया, 2 फिनिशर भी है सीना के पास। वैसे काउंट करना चाहिए था सीना, काउंट करना चाहिए था भाई। पिनफॉल करवाते तो मुझे लगता है कि ब्रॉक लेस्टर जा सकते थे मैच से। अच्छा डबल टीम तो नहीं कर रहे हैं कहीं, अरे बाप रे बाप। अच्छा सीना पिन कर सकते, सीना पिन कर सकते थे यार। रोमन आ चुके हैं मैच के अंदर तो रोमन तो पिन कर सकते हैं कम से कम। रोमन पिन कर सकते हो, ब्रॉक के ऊपर पिन कर सकते हो, फिनिशर मत लगाना, फिनिशर का इस्तेमाल नहीं करना भाई। देखो ब्रॉक के पास नहीं रेजिलेंस है, और अच्छा ब्रॉक के पास हेल्थ भी नहीं है भाई। देखो लेकिन ब्रॉक के पास एक सिग्नेचर एक फिनिशर है, सुपरमैन पंच, अभी तो काउंट कर ले, बहुत अच्छा भाई। अभी एलिनेट बीच में आ जा, आ जा, जा बीच में आ जा भाई। अच्छा ये एलिनेट क्यों खड़ा रह गया भाई, ये एलिनेट कितना बड़ा बेवकूफ सुपरस्टार, लगा दी BFT। अभी तो रोमन के पास सीना ने बचा लिया, वैसे भी रेजिलेंस है ट्राइबल चीफ के पास, रेजिलेंस है भाई। देखो एली नाइट ने ब्रॉक लेस्टर का किक आउट नहीं बचा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, क्योंकि अब एली नाइट के बस की नहीं है भाई कि अकेले इन तीनों सुपरस्टार को एलिमिनेट कर सके करके। क्या लगता है भाई आप लोगों को, मुझे लगता है कि फिनिशर लगने वाला है भाई। एली नाइट कहाँ कहाँ एजी स्टाइल के ऊपर फोकस कर रहा है भाई, अगर फोकस कर रहे हैं रोमन ये क्या कर रहे हो भाई। रोमन 5 तक ही काउंट है ठीक है, सुपरस्टार को ऐसे एलिमिनेट नहीं करते हैं रोमन। ये देखो भाई ये एली नाइट का मुझे लगता है कि दिमाग खराब हो चुका है भाई। लीगल सुपरस्टार अपने ट्राइबल चीफ हैं, रोमन रिंग के अंदर, रिंग के अंदर रोमन, रिंग के अंदर भाई। 5 तक ही काउंट रखे हैं नीचे, 5 तक ही काउंट रखे हैं भाई। बहुत अच्छा रोमन तो रिंग के नीचे आ चुके हैं, रिंग के ऊपर आ चुके हैं, रोमन रिंग के बाहर, रिंग के बाहर। अरे यार बेचारे एली नाइट काउंट आउट से एलिमिनेट हो गए भाई। लेकिन मैंने जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है ना कि किसी भी सुपरस्टार का एलिमिनेशन किसी भी तरीके से हो वो पूरा का पूरा लीगल माना जाएगा भाई। तो चलो फिर दोस्तों आज का जो हमारा मर्द का बच्चा सीरीज का ये मैच है ना वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज का ये मैच पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो, टाटा बाय बाय।